आई एम डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। टुडे द टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस। प्लांट टैक्सोनॉमी में प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा और भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनको एविडेंसेस के रूप में यूज किया जाता है, और प्लांट्स के आपस में रिलेशनशिप का पता किया जाता है। ये डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जैसे एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, इकोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो जब प्लांट्स की डीप स्टडी करते हैं और उनके एविडेंसेस देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि आपस में इनका क्या एक दूसरे से रिलेशनशिप है, और इनको कहाँ पर प्लांट टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करते समय कहाँ इनको रखा जाना चाहिए। इसी आधार पर कई प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसी आधार पर प्लांट्स को उनकी एग्जैक्ट फैमिली में, ऑर्डर में रखा गया है। तो आज हम स्टडी करेंगे फाइटोकेमिस्ट्री इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी, यानी इसको कीमोटैक्सोनॉमी भी कहते हैं। कई डिस्प्यूटेड प्लांट ग्रुप्स को उनके अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स के आधार पर ही उनको एग्जैक्ट पोजीशन में रखा गया है, उनका एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए कई एविडेंसेस हैं कई डिसिप्लिन से। फाइटोकेमिस्ट्री के लिए हमें सबसे पहले सीरम डायग्नोसिस पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सीरम डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगी। ये कोनिंग्सबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कॉल मेज ने सीरम डायग्नोसिस के बारे में बताया। इसमें क्या करते हैं कि प्लांट के प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट दूसरे प्लांट के प्रोटीन एक्सट्रैक्ट से मिला करके और उनके बीच में रिलेशनशिप पता किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट ए, उसका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और फिर उसको रैबिट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। 30 डेज के बाद जब उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उस रैबिट का ब्लड निकाल लिया जाता है और उसका सीरम लेकर के दूसरे प्लांट, मान लीजिए प्लांट बी है, उसमें मिलाया जाएगा। तो इससे दोनों प्लांट्स के, ए और बी प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए जो इस सीरम को प्लांट बी में मिलाया गया और प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये प्लांट ए और बी के साथ रिलेशनशिप शो करता है। जैसे जैसे सीरम को डाइल्यूट करते जाते हैं, फिर भी अगर प्रेसिपिटेट बनता है, इसका मतलब कि उन दोनों प्लांट्स के बीच में बहुत अधिक रिलेशनशिप है, दे आर क्लोजली रिलेटेड। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि उनके प्रोटीन्स आपस में मिलते जुलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से केमिकल कैरेक्टर्स स्टडी किए जाते हैं। कुछ ऐसे केमिकल कैरेक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से देख लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जिनका टेस्ट, केमिकल टेस्ट किया जाता है, उसके बाद पता चलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टार्च ग्रेन्स और रेफाइट्स। स्टार्च ग्रेन ये सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, तो अलग अलग स्पीशीज में ये अलग अलग हो सकते हैं। रेफाइट्स ये निडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, तो कुछ स्पीशीज में ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंट शेप के रेफाइट्स, कुछ निडल लाइक हैं। ये रेफाइट डिफरेंट फैमिलीज में पाए जाते हैं, जैसे बाल्सेमिनेसी, ओनग्रेसी, रूबिएसी, ऑर्किडेसी। ये क्यूबिकल भी हो सकते हैं, प्रिज्म लाइक भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं निडल लाइक रेफाइट्स या ब्लंट शार्प स्टार्च ग्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पोटैटो में आप देख सकते हैं क्लियर कट स्टार्च ग्रेन्स, इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जैसे दिखाई देती हैं और आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देते हैं। ब्रेमेकैम्प ने रेफाइट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर रूबिएसी फैमिली का सब क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने बताया कि जिन प्लांट्स में रेफाइट्स प्रेजेंट हैं, उन्हें सब फैमिली रूबियोइडी में रखा, और इसी तरीके से सेंट्रोस्पर्मेल्स और कैक्टेसी फैमिली में भी रेफाइट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेशनशिप शो करते हैं। इसी तरीके से सिस्टोलिथ, ये
कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि स्टॉक्ड होते हैं और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ग्रेप्स के गुच्छे की तरीके से। तो बहुत से प्लांट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, जैसे फाइकस में हमें ये दिखाई देते हैं। फाइकस लीफ का अगर आप सेक्शन काट करके देखेंगे तो आपको सिस्टोलिथ दिखाई देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एपिडर्मिस के नीचे एक अंगूर के गुच्छे की तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिस्टोलिथ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्रिस्टल है ये एक तरीके से। इसी तरीके से सिलिका कुछ फैमिलीज में पाया जाता है, जैसे एरिकेसी पोएसी में सिलिका पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, कैपेरिडेसी एस्टेरेसी टेमेरिकेसी। इसके अलावा कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल टेस्ट के आधार पर बताए जा सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, तो इसके लिए कुछ केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। तो ये केमिकल प्रोडक्ट्स एल्केलॉइड्स भी हो सकते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स भी हो सकते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, फैट्स ऑयल्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? ये नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर शो करते हैं इस डिफरेंट स्पीशीज में, जैसे फॉर एग्जांपल पेपरवेरेसी। पेपरवेरेसी में एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। पेपरवेरेसी फैमिली में एल्केलॉइड्स का पाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इसमें पेपरवेरेसी में क्या होता है, प्रोटोपिन नाम का जो एल्केलॉइड होता है सभी स्पीशीज में पाया जाता है। प्रोटोपिन को फ्यूमेरिएसी के भी कुछ स्पीशीज में पाया जाता है। तो इससे ये शो का होता है कि जो फ्यूमेरिएसी फैमिली है पेपरवेरेसी से काफी क्लोज है। लेकिन फ्यूमेरिएसी में आइसोक्यूनोलिन डेरिवेटिव भी होते हैं जो कि पेपरवेरेसी में नहीं पाए जाते, तो इस कारण से इसका मतलब ये फैमिली अलग है, तो इसको अलग अलग फैमिलीज में रखा गया है। हचिंगसन ने इसी आधार पर इनको अलग अलग रखा था। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइट्स ये बहुत कम पाए जाते हैं, ये किसी प्लांट के एक पार्ट में प्रेजेंट भी हो सकते हैं और दूसरे पार्ट में एब्सेंट हो सकते हैं, और ये समय के साथ बदलती रहती है, प्रेजेंट हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। लगभग 14 साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो इस कैरेक्टर को भी टैक्सोनॉमिक एविडेंस की तरीके से यूज किया जाता है। इसके अलावा जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड हैं ये HCN बनाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। फिनोलिक कंपाउंड्स प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट में सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजिनस एंथोसाइनेंस, ये सेंट्रोस्पर्मेल्स में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसके साथ ही केवल कैक्टेसी फैमिली में पाए जाते हैं। तो इसी कारण से वेटेस्टीन ने ये विचार दिया था कि सेंट्रोस्पर्मेल्स में कैक्टेसी को रखा जाना चाहिए। एम्बोडम एंड लेविस ने टर्पीन कंपोजिशन स्टडी किया साल्विया में। बीटा कैरोटीन सभी ग्रीन सेल्स में प्रेजेंट होता है। टर्पेनाइड ग्लाइकोसाइड्स एपोसाइनेसी मोनोटर्पिन जो कि एसेंशियल ऑयल हैं, ये अपने ओडर और एसेंस के कारण पहचाने जाते हैं और ये फैमिली लैमिएसी एपिएसी रूटिएसी में प्रेजेंट होते हैं। सेस्क्यू टर्पिन लैक्टोन्स बिटर टेस्टिंग कंपाउंड्स हैं। 1400 जो सेस्क्यूटर्पिन्स हैं एस्ट्रेसी फैमिली में 1340 प्रेजेंट होते हैं। इसी बेसिस पर क्रॉनकस ने इवोल्यूशन एस्ट्रेसी फैमिली का बताया था। एरिडॉइड कंपाउंड्स ये बिटर टेस्ट के होते हैं, मोनोटर्पिनोइड्स हैं, साइक्लोपेंटेनोइड्स लैक्टोन्स ये सेम पेटली में 50 फैमिली से भी ज़्यादा में पाए जाते हैं, तो इन सभी फैमिलीज को एक साथ रखा गया है। एस्पेरिलोसाइट रूबिएसी बडले जेसी में पाए जाते हैं। बडले जेसी एक नई फैमिली है और इसको इसको स्क्रोफ्लेरिएसी के पास ही रखा गया है। लेमिएसी में भी इरिडॉइड कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि फंगस से रेजिस्टेंस शो करते हैं। फिनोलिक्स बायफ्लेवोनॉइड्स ये सेकेंडरी पिगमेंट्स का एग्जाम्पल है, फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं सेकेंडरी पिगमेंट्स फिनोलिक्स जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स जो है फ्लेवोनॉइड्स में आते हैं ये, और ये इनमें C15 न्यूक्लियस होता है। अधिकतर फ्लेवोनॉइड्स जो प्लांट की सेल वैक्यूल में पाए जाते हैं,
ये फिनोलिक कंपाउंड जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके एंड प्रोडक्ट होते हैं, इनर्ट होते हैं, बाइफ्लेवोनाइड्स यानी दो फ्लेवोनाइड्स होते हैं। ये प्रिमिटिव हैं और अधिकतर जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, जो अधिकतर एंजियोस्पर्म की जो वुडी जेनरा हैं उनमें बाइफ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है वाइबर्नम, गार्सिनिया, हेविया एंड कैज्यूराइना। अर्लियर वर्कर्स ने कैज्यूराइना को, जो कि कैज्यूराइनेसी फैमिली में है, तो इसको प्रिमिटिव फैमिली माना था, जैसा कि क्रॉनक्विस्ट और तख्ताजान ने इसको एडवांस माना था। मोनोकॉट और डाइकॉट में भी फ्लेवोनॉइड का पैटर्न ज़्यादा वेरी नहीं करता है, केवल एलर्जिक एसिड की प्रेजेंस और एब्सेंस उसमें वेरी करती है। मोनोकॉट्स में एलर्जिक एसिड एब्सेंट होता है, निम्फियल्स में ये पाया जाता है, और इसी कारण से क्रॉनक्विस्ट और तख्ताजान के व्यू को सपोर्ट नहीं किया गया। इसी तरीके से जैंथियम के जो भी जितने भी इको टाइप्स हैं, जैंथियम जो कि एस्टरेसी फैमिली में रखा गया है, उनके सेस्क्यूटर्पिन्स लैक्टोन्स जो हैं वो वेरी करते हैं। डिफरेंट फिनोलिक्स के आधार पर कैलिक ने 1974 में कीमोटेक्सोनॉमिक डेटा तैयार किया था फैमिली रोजेसी का। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो पोमोइडी है ये एलोपोलिपोलाइड ओरिजिन की होती है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है प्रिमिटिव सब फैमिलीज का, प्रोनोइडी एंड स्पायरियोइडी। वाटरमैन ने एल्केलॉइड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही रूबियल्स की फाइलोजेनी एस्टैब्लिश की। फिनोलिक्स की जो प्रेजेंस है वो प्रिमिटिवनेस को इंडिकेट करती है। सिंपल फिनॉल्स कौन कौन से हैं? फ्लोरोग्रुसिनॉल, कॉमेरिन, हाइड्रोक्विनोन्स, पाइरेगोलॉल। डाइकॉट और मोनोकॉट के फ्लेवोनॉइड सेम है, केवल एलर्जिक एसिड जो है वो डाइकॉट्स में पाया जाता है और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। अगर हम डाइकॉट्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं तो रोजेल्स, थियल्स ये प्रिमिटिव हैं और ये पैरेलल है रेनिल्स के एंड सेंट्रोस्पर्मी के। एलर्जिक एसिड कैज्यूराइना पाया जाता है। ल्यूकैंथोसाइनिन ट्राइहाइड्रोक्सीफिनॉल है, ये वेजिटेटिव टिश्यू और सीड्स में पाया जाता है, जो वुडी मेंबर्स हैं जैसे ओलिएसी, स्क्रोफुलेरिएसी, बिग्नोनिएसी, वर्बिनेसी। फिनॉल्स एपोसाइनेसी, एस्लेपियडेसी, रूबिएसी में भी पाए जाते हैं, लेकिन रेनेल्स में एब्सेंट होते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि रेनेल्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं। नेक्स्ट हैं पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और कैरेटिनाइड्स फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं ये। बायलोप्रोटीन्स एंड एंथोसाइनिन जो है वाटर सॉल्युबल है। एंथोसाइनिन एंड बीटेलिन्स नेवर कोएक्सिस्ट, एंथोसाइनिन और बीटेलिन्स एक साथ कभी नहीं प्रेजेंट होते। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस के आधार पर कितने प्लांट्स को उनके ग्रुपिंग की गई है। जैसे पाइनस की जो अलग अलग स्पीशीज हैं उनमें अलग अलग तरह के टर्पेंटाइन होते हैं। लाइकेन्स को भी केमिकल मेथड्स के बेसिस पर ही उनकी डिफरेंट जेनरा और स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। कीमोटेक्सोनॉमी के आधार पर प्लांट के 3 लार्ज ग्रुप्स हैं और ये केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं उनके आधार पर, जैसे प्राइमरी या बेसिक सब्सटेंसेस जो कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड पॉलीसेक्राइड्स हैं। दूसरे हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे के बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस जो कि सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब्सटेंसेस एल्केलॉइड, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड टर्पेनॉइड्स हो सकते हैं। बीटासाइनिन एंड बीटा जैंथिन, बीटासाइनिन के आधार पर 10 फैमिलीज को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। कैरियोफिलेसी एंड इलिसिब्रेसी को सेंट्रोस्पर्मी से अलग किया गया है क्योंकि इन दोनों फैमिलीज में बीटेलिन पिगमेंट्स एब्सेंट थे। तख्ताजान एंड कॉनक्विस्ट ने एंथोसाइनिन प्रोड्यूसिंग फैमिलीज को कैरियोफिलेस में रखा था। क्रॉनक्विस्ट ने केवल कैरियोफिलेसी और मोलिजिनेसी को ही कैरियोफिलेस में रखा था। सेंट्रोस्पर्मी में बीटासाइनिन कंटेनिंग फैमिलीज रखी गई हैं, जैसे कि चिनोपोडिएसी, पॉर्चुलेकेसी, एजोएसी, कैक्टेसी, निक्टेजिनेसी एंड फाइटोलेकेसी। नेक्स्ट है फैट्स एंड ऑयल इन सीड्स एंड फ्रूट्स। जैसा कि हम जानते हैं फैट्स एंड ऑयल्स ये रिजर्व फूड मटेरियल हैं, सीड्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, तो कई तरह के फैट्स एंड ऑयल सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स के अंदर।
इनके ऊपर भी काफी वर्क होना चाहिए। हालांकि कुछ काम अभी तक किया गया है और ये भी टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है, जैसे कि फ्लेकोर्टिएसी फैमिली में चालमोग्रिक एसिड का पाया जाना, ये बहुत स्पेसिफिक करेक्टर है। फैटी एसिड्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं और इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन नट ऑयल फैटी एसिड जगलेंडेसी में एंड जूस सेक फैटी एसिड सिट्रस में इनको टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस माना गया है। जॉन एंड मस्किन ने 1976 में नेसेसी एंड कॉर्नेसी में सीड ऑयल फैटी एसिड्स पर स्टडी करी, तो इसके आधार पर उन्होंने नेसा की 4 स्पीशीज, कॉर्नस की 11 स्पीशीज और डेविडुआ की 1 स्पीशीज को एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया कि उनमें पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोलिक एसिड ये पाए जाते हैं, और उन्होंने देखा कि नेसा बाईफ्लोरा, ये निसा सिल्वेटिका और निसा एक्वेटिका के बीच में इसको रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से एपीएसी फैमिली में पेट्रोसैलिनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स को इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा और ये हर प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा इनकी टैक्सोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन कभी कभी इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड होता है और इनको इम्पॉर्टेंट माना गया है। एस्टरेसी की 2 ट्राइब्स ट्यूबिफ्लोरी और लिग्यूलीफ्लोरी लेटेक्स जो कि केमिकल सब्सटेंस है उसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि किस तरीके से केमिकल कंपोनेंट्स प्लांट के अंदर जो पाए जाते हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, ऑयल भी हो सकते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स हो सकते हैं, इनके आधार पर फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है उनमें हेल्प मिलती है। थैंक यू।